नगरपालिका वार्ड नंबर 19 के उपचुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने डाला पदमपुर में डेरा। रविवार को पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रियंका बेल, दीनानाथ बलाना सहित अन्य भाजपाइयों ने पार्षद पद की प्रत्याशी कम्बो देवी के समर्थन में बड़ी बैठक कर कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का संचार कर जिम्मेदारियां तय की गयी। मंडल अध्यक्ष गोकर्ण गर्ग, सुखजिंदर सिंह, हकीकत मखीजा, सुनील हांडा, कश्मीरी धमीजा सहित 100 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल में जुड़ गया है, तो ये मजबूती हमें पहले ही मिली है और मेहनत करकर हमने इस चीज को विजय बनाना है। और आज इस बैठक में हमारे सबके आदरणीय, हम सबके गार्जियन, कहने को हमारे मंत्री जी है लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे गार्जियन, हमारे संरक्षक, जिन्होंने हमें आज तक इतना कामयाब बनाया है कि आप लोग के बीच में एक प्रत्याशी के रूप में भी मैं उपस्थित रही और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए आगे इस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे गार्जियन और ऐसे आदरणीय हमारे सुरेंद्र पाल सिंह जी की वजह से हमें वो हिम्मत मिलती है। मंच पर विराजमान है हमारे नगर मंडल अध्यक्ष गोकरण जी और ये सम्मानित मंच यहाँ पे सभी आदरणीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष है खादर चंद लालन जी, दीनानाथ चलाना जी, हमारे बनाना जी, हमारे रविंद्र जी और मखीजा जी सोशल मीडिया से है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे चेयरमैन आशा जी है, सभी जिम्मेवार है। आज ये प्रत्याशी है लेकिन आप सब जो सामने इस मंडी के जो मौजूद लोग बैठे हैं, जिनके हाथ में हर घर तक संपर्क है और जिनके कहने से एक एक वोट पड़ जाता है, वैसे सभी जिम्मेवार लोग, सभी गणमान्य लोग, सभी कोई यहाँ पूर्व पार्षद रहा है, कोई पदाधिकारी रहा है, कोई वर्तमान में कोई किसी संस्था का या किसी वार्ड का जिम्मेवार पदाधिकारी है, इस हिसाब से हम सब ताकत लगाकर ये चुनाव भले ही छोटा है लेकिन चुनाव चुनाव होता है, बड़ा या छोटा चुनाव जो भी चुनाव हो, हम जीतने की रणनीति के हिसाब से अगर चलेंगे तो अवश्य विजयी होंगे। और कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड है ये सोचने में अगर हम कहीं ना कहीं ये सोच लें कि भाई बोर्ड उनका है और क्या इससे फायदा या नुकसान होगा, नहीं, चुनाव में विजयी होना एक सीधा सीधा संदेश होता है कि कांग्रेस के कुशासन में ये मंडी, ये नगर पालिका सुरक्षित नहीं है। तो उपचुनाव एक संदेश होगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ पर वोट नहीं बनाया तो जनता की मिस्टेक थी और इस चुनाव से वो विजयी होने के साथ साथ वो संदेश जाएगा। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत आप सबका आभार और धन्यवाद भी करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो आप सब जो मंचस्थ लोग हैं और जो सामने गणमान्य लोग हैं, आप सब की वजह से इतना बड़ा मौका मुझे मिला और हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। आप सबकी हिम्मत थी जो मेरा हौसला आपने बढ़ाया और हमने जो संपर्क रखा, हमें जो आशीर्वाद मिला वो आप सबके सामने है और आप सब ने इस शहर से हम आगे रहे और ऐसे बहुत ऐसे एरिया से हम आगे रहे जहां पहले आशीर्वाद हमें हमारी पार्टी को नहीं दिया था। तो ये संदेश है कि हमारी ताकत थी लेकिन कुछ वोटों के अंतराल से हम पीछे रहे और अब ये चुनाव हार गए, लेकिन जो जनादेश है वो कतई ये नहीं दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास नहीं है। कुछ वोट से हार जाना हार नहीं होती और मैं फिर हौसले के साथ में आपको कहती हूँ कि आपकी बेटी के नाते और ये जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, गंगानगर की बेटी कहते थे, तो ये बेटी आपके हर काम में जो मेरे जिम्मे आप लगाएंगे, सरकार हमारी है तो काम हमारे कार्यकर्ताओं के होने हैं, हमारे क्षेत्र के होने हैं और मुझे तो सबसे राय लेते हुए ही चलना है। जो जिम्मे मेरे आप सब लगाएंगे, आप लोग के बीच में संघर्ष करते हुए जो कमियां रही हैं उनको हम सुधारेंगे और निश्चय ही आगामी चुनावों में आज से ही उपचुनाव जीतेंगे और आगे हमेशा जीत दर्ज करेंगे, ऐसा काम हम सब आगे। पंचायती राज आएगा, निकाय चुनाव आएगा, आज हमारे सामने था कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे पास जनप्रतिनिधि नहीं थे, हम कहीं ना कहीं चुनाव हारे हुए थे, वो टीस सबके मन में है और वो टीस ही हमें हिम्मत देगी, हौसला देगी और हम सब प्रत्येक चुनाव में इस चुनाव
चुनाव के बाद जो भी चुनाव आएगा हिम्मत से डट के और लोगों के बीच में वो पॉजिटिव संदेश ले जाकर जाएंगे, वोट हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे।